variation in G due to earth rotation, या variation in acceleration due to gravity due to earth rotation। देखिए ये अलग मेथड से हम लोग कर रहे हैं जो कि थोड़ा आसान पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये अर्थ है और ये रोटेट कर रहा है इस तरह रोटेट कर रहा है। इस लाइन को हम लोग इक्वेटर लाइन बोलते हैं। देखिए ये ध्यान देना होगा, इस लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन। ये हो गया आपका इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा या इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो देखिए होता क्या है कि जब अर्थ रोटेट करता है, रोटेट तो करता ही है आप जानते हैं, तो आप रोटेशन के कारण अर्थ जो है रियल जो है जो खिंचाव है ग्रेविटेशन है उसको नहीं लगा पाता है। हम लोग जो है अपेरेंट वेट को फील करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इस तरह देखिए मूव कर रहा है इस तरह, तो जब ऐसे से मूव करेगा तो आप बाहर की ओर फेंकाने की टेंडेंसी होगी, इस तरह का है। तो जैसे मान लिया जाए यहां पर अगर आपका फोर्स है, अगर एम जी है इधर देखिए, लेकिन एक्चुअल एम जी तो आपका फील नहीं हो पा रहा है। जैसे ये देखिए ये अपना एक इस पेरिफेरी पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, यहाँ पर ये अलग एक रेडियस में ये घूम रहा है। देखिए यहाँ पर ये रोटेशन जो हो रहा है अर्थ का, उसमें ये पार्टिकल क्या है, देखिए यहाँ पर ये इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा है एक तरह से। अब ध्यान दें यहाँ पर, ये देखिए ये आर है, ये छोटा आर से इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं अभी। यहाँ पर जो मास है एम, तो आप जानते हैं कि यहां पर बाहर की ओर क्या लगेगा फोर्स, ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर ये हम यहां से इस एंगल को अगर लेमडा मान लें तो ये कितना होगा, ये आर कितना होगा, ये तो यहां पर देखिए यहां परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करके इसको निकाल करके आप इसको जस्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर मान ली ये जो होगा यहां पर ये तो आर होगा, ये आर है आपका, और ये देखिए लेमडा है, ये आपका कितना हो गया लेमडा है, तो इसको आपको ये काउंट करना है, ये निकालना है आपको। तो देखिए ये बेस हुआ और ये हैपनिश हो गया यहां पर, तो ये कॉस के द्वारा संबंध मिलेगा इसका, कॉस लेमडा आर बाई आर, आर इक्वल टू क्या होगा आर कॉस लेमडा। तो यहां से हम लिख सकते हैं यहां पर अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें यहां पर कि एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा होगा यहां पर। देखिए तो सवाल यहां पर यह है, देखिए यहां पर अगर हम इसको कंपोनेंट तोड़े यहां एलोंग इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर देखिए इस डायरेक्शन में, तो यहां पर क्या होगा इसका कंपोनेंट, देखिए ये लेमडा है तो ये भी लेमडा हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा तो पहले से है और एक कंपोनेंट के कारण कॉस लेमडा आ गया आपका, और इधर देखिए कितना होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा और इधर हो जाएगा आपका साइन लेमडा। देखिए चूंकि आप जानते हैं कंपोनेंट में क्या होता है, इधर कॉस होता है और इधर साइन हो जाएगा जिधर एंगल नहीं, तो नेट जो है यहां पर फोर्स अगर हम इसको एफ डैश कह दें, एफ डैश, तो नेट फोर्स यहां पर कितना लगता होगा, तो ये आपका जो अपेरेंट वेट है एक तरह से आप जो महसूस करते हैं वो क्या होगा, अपेरेंट वेट होगा वहां पर, क्योंकि अगर ये नहीं लगता रोटेशन के कारण तो आपका एक्चुअल ये होता, तो ये आपका आभासी भार हो गया। देखिए ये हो गया आपका आभासी भार, जिसको हम लोग कहेंगे अपेरेंट वेट कहेंगे। देखिए यहां पर तो यहां पर F कितना हो जाएगा अपेरेंट mg माइनस F डैश हो जाएगा, यहां पर F इक्वल टू हो जाएगा आपका mg माइनस M ओमेगा स्क्वायर
आर, और देखिए कॉस लेमडा, कॉस लेमडा है तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर लेमडा हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहां पर मान लें अपेरेंट वेट को एम जी डैश एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, तो देखिए एम कॉमन लेंगे तो तीनों में चला जाएगा और यहां से आ जाएगा आपका जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका। अब हम लोग बात करते हैं एट इक्वेटर, इक्वेटर पर क्या होगा, इक्वेटर तो लेमडा जीरो हो जाता है यहां पर। देखिए इस लाइन पर लेमडा का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा इधर, तो जी डैश बराबर जी माइनस कॉस जीरो का मान वन होता है, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना टर्म घट गया यहां पर। आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वेटर पर अगर रोटेशन बंद हो जाए तो इक्वेटर पर कितना वेट बढ़ जाएगा, तो देखिए ये घट रहा है तो when earth stops then acceleration due to gravity increased by कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। अगर वेट की बात करेंगे तो एम से गुना कर देंगे हम लोग। अब देखिए पोल पर की अगर हम लोग बात करें, पोल पर तो क्या होगा, पोल पर अगर बात करेंगे एट पोल, पोल पर हम लोग देखते हैं तो देखिए पोल पर लेमडा का मान कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहां पर यहां तो लेमडा 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहां पर कॉस 90 जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, तो जी डैश बराबर जी हो जाएगा, एम जी डैश बराबर एम जी हो जाएगा, डब्लू डैश बराबर डब्लू हो जाएगा। अर्थात अर्थ रोटेशन का पोल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात एक और समझना है कि अर्थ सरफेस की बात करें हम लोग तो सबसे मिनिमम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पर होता है। अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी पिंड को यहां से लेकर के यहां ले जाते हैं पोल की ओर तो क्या होगा, वेट बढ़ेगा। देखिए यहां पर, और जब पोल से आप इक्वेटर की ओर आएंगे तो वेट क्या होगा, घट जाएगा। तो इक्वेटर लाइन पर सबसे कम होता है वेट, ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन होता है ये। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर जो है अर्थ अगर स्टॉप्स कर जाए तो जो इनिशियल होगा स्पीड प्रेजेंट का कितना टाइम्स, जैसे इस तरह अगर हम लोग ले केस लेते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन के द्वारा रुको, देखिए यहां क्वेश्चन दे दिया है, विथ व्हाट स्पीड द अर्थ में रोटेट सो दैट बॉडीज लाइंग एट इक्वेटर में फ्लाई ऑफ। मैंने कह रहा है यहां पर कि जो प्रेजेंट आपका जो स्पीड है उसे कितना टाइम्स अधिक बढ़ा दिया जाए कि इक्वेटर पर जो है कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो फ्लाई ऑफ कर जाए। तो देखिए यहां पर जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो फ्लाई ऑफ का मतलब क्या हुआ कि वहां पर जी डैश जीरो हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा का वैल्यू यहां से कितना होगा, जी बाई आर। लेकिन जो नॉर्मल अभी जो प्रेजेंट है ओमेगा डैश वो कितना है, 2π/T है यहां पर। तो आपको इसमें संबंध बताना है कि प्रेजेंट का कितना टाइम्स ये हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट ये आपका हो गया जी बाई आर, और इधर हो गया आपका 2π/T, क्या हो गया 2π/T। तो यहां पर वैल्यू हम रख रहे हैं, देखिए जी का मान 10 होता है, आर का मान कितना है 6400, और इंटू 6400 और इसको 1000 से गुना कर दीजिए, चूंकि किलोमीटर में तो मीटर में आ जाएगा 2 3.14
और ये होता है 24 घंटा और गुने 3600। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं हम लोग, एक जीरो से जीरो हटा दीजिए यहाँ पर, ओमेगा बाई ओमेगा नॉट ये हो जाएगा, देखिए एक का रूट एक हो गया, 64 का 8 हो जाएगा और 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर निकल जाएगा। इधर देखिए यहाँ पर 2 से कट जाएगा 12, तो 3.14 बाई 12 इंटू 3600 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 जीरो इसका भी गया, अब फिर एक बार कर ले हम लोग कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 36 और बाई 8 इंटू 3.14, तो 4 3 12, 4 2 8, 2 से कट जाएगा ये 18। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 और 3.14 है, अगर ये 3 से 3 कट जाता तो 18 आता, लेकिन कुछ कम आएगा ये 17 टाइम्स हो जाता है। तो ओमेगा जो है 17 टाइम्स ओमेगा नॉट का, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका 70 टाइम्स अगर हो जाए तो क्या होगा, इक्वेटर पर फ्लाई ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह आप इसको बना सकते हैं।